गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आपको मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नई नई रीडिंग्स लेकर आता हूं, जो कि आपकी कहीं ना कहीं लव लाइफ से या अपनी पर्सनल लाइफ से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रेजोनेट करती हैं, और आपके लाइफ में जो स्टकनेस होती है आप उस स्टकनेस में बाहर निकलने में आपको हेल्प करती हैं। तो आज भी मैं जो रीडिंग लेकर आया हूँ वो आज भी आपके ऊपर एक काम की रीडिंग होने वाली है, जिसके अंदर आज हम जानेंगे कि आपकी क्रश की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, जिन्होंने आपको नो कॉन्टेक्ट या सेपरेशन की एनर्जी दी हुई है, जिसके साथ अपनी आप पूरी लाइफ एक इमेजिन कर रहे थे, सब कुछ आपने सपने बोए हुए थे दोनों के एक दूसरे के साथ कि आप लाइफ में ये सब करेंगे, शादी करेंगे, घूमने फिरने जाएंगे, मतलब कि लाइफ का हर एक मोमेंट आपने प्री डिसाइडेड कर रखा था, लेकिन अब उस इंसान ने आपको नो कॉन्टेक्ट या सेपरेशन की एनर्जी दे दी है। तो अभी उसकी फीलिंग्स आपके लिए और आपके इस रिलेशनशिप के लिए क्या फीलिंग्स है, आज हम वो सब चीज जानेंगे कि आप एक क्रश जो है एग्जैक्टली चाहते क्या हैं, क्या वो वापस आपके पास लौट कर आएंगे, या उनकी ईगो आज भी आपके और उनकी रिलेशनशिप के बीच में एक दीवार की तरह बनी खड़ी रहेगी। तो पूरी वीडियो सुनिएगा ताकि बीच में कोई भी चीज स्किप ना हो पाए, जो अगर कोई चीज आपके काम की हो स्किप ना हो जाए, क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। कुछ चीजें बीच में बताने वाला हूँ, कुछ रेमेडीज बीच में बताने वाला हूँ, तो इसलिए कोई भी पार्ट रीडिंग का स्किप मत करना, और जितना पार्ट आपसे रेजोनेट हो उतने को ही क्लेम करना, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ। मेरा नाम अंकित है एंड आई एम ए रिलेशनशिप कंसल्टेंट, क्रिस्टल हीलर एंड ए टैरो कार्ड रीडर। और जो मैं रीडिंग जो करता हूँ, एक जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग रहती है, कोई भी जेंडर स्पेसिफाई नहीं होती है, कोई भी रिलीजन स्पेसिफाई नहीं होती है। आप जब भी इस रीडिंग से रीडिंग तक पहुंचते हैं तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है, और जितना पार्ट आपसे रेजोनेट हो उतने को ही क्लेम करना, बाकी को आप स्किप करना है आपको, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं क्रिस्टल हीलर भी हूँ, यदि आपको हमारे से कोई एनर्जाइज क्रिस्टल चाहिए, तो मेरे पास हर तरह के क्रिस्टल्स अवेलेबल होते हैं, लाइक आपके फाइनेंस के लिए, आपके लव लाइफ के लिए, यदि आपके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जीज का इम्पैक्ट है, या आपके रिलेशनशिप के ऊपर कोई नेगेटिविटी का इम्पैक्ट है, किसी ने कोई स्पेल कर रखा है, या आपके जॉब नहीं लग रही है, या आपके बिजनेस में एकदम डाउनफॉल आ गया, किसी भी चीज़ को लेकर आप यदि क्रिस्टल चाहते हैं, तो हमारे पास हर तरह के क्रिस्टल्स अवेलेबल हैं, जो कि आपके डेट ऑफ बर्थ, नेम, राशि, हर चीज़ से सब कुछ कंपैटिबिलिटी देखते हुए जो आपको दिए जाते हैं आपको एनर्जाइज करके, ठीक है। तो यदि आप लेना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, और यदि आपको इस रीडिंग में कुछ भी डाउट्स रहते हैं तो आप उस डाउट्स को क्लियर करने के लिए अपने लिए पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं, जो कि आपके नेम एंड डेट ऑफ बर्थ से आपके लिए कुछ पर्टिकुलर कार्ड्स चूज किए जाते हैं, और उस कार्ड्स के थ्रू आपकी रीडिंग करी जाती है, जो कि आपके ऊपर 100% रेजोनेट होती है वो, ठीक है ना। यदि आप वो रीडिंग लेने चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं, कॉल या व्हाट्सएप कीजिए, नंबर है मेरा 9540046626। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग जब मैं कैंडल लाइट कर रहा होता हूँ तब प्लीज अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लीजिए, जो भी आप क्वेश्चन डिवाइन पावर है यूनिवर्स से पूछना चाहते हैं वो क्वेश्चन मन में लेकर आइए, ताकि रीडिंग आपसे बहुत अच्छे लेवल से रेजोनेट कर पाए। हे डिवाइन पावर, हे यूनिवर्स, प्लीज मेरे व्यूअर्स को इस रीडिंग में उनके जितने भी सवाल है उन सबके आंसर उन्हें मिल जाए, जो उनकी लाइफ में स्टकनेस है वो स्टकनेस दूर हो जाए। अच्छा, यदि मैं सबसे पहले आपके पार्टनर की बात करूं ना, तो मुझे कहीं ना कहीं ना आपके पार्टनर ना बहुत ज्यादा गिल्ट में दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जी में मुझे ओवरऑल लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जी में है। और यदि मैं आपके पार्टनर एग्जैक्टली बताऊं कि वो क्या सोच रहे हैं, तो मुझे ना आपके पार्टनर आपके साथ बिताए हुए पुराने दिनों को बहुत ज्यादा याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लाइक हो सकता है कि आपका कोई चाइल्डहुड कनेक्शन हो, या आप चाइल्डहुड फ्रेंड्स रह चुके हों, या ऐसा हो सकता है कि लाइक आपका रिलेशनशिप बहुत पुराना हो, लाइक 5 to 6 years और मोर देन दैट, ठीक है। आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपकी फोटोज को देखते रहते हैं, आपके दोनों के बिताए हुए पास्ट मेमोरीज को याद करते रहते हैं आपके पार्टनर, ठीक है, और उन्हें देख देख के खुश होते रहते हैं। कुछ ऐसा भी मुझे लग रहा है कि लाइक
यदि आपके मोमेंट्स आपने कुछ ऐसे बिताए हो कि समझो ना कि लाइक कैद मोमेंट जैसे आपने कोई फोटोज आपने खींची हैं या वीडियोज आपने बनाई हुई या कुछ आपने ऑडियोज भेजी हो, तो उन सब चीज़ों को ना वो बार बार देखे जा रहे हैं, बार बार सुने जा रहे हैं, कुछ इस तरीके से मुझे ना उनकी अभी एनर्जी दिख रही है। लाइक ऐसा कुछ हो लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा ना इस टाइम वो याद कर रहे हैं। और जानते हैं आपको उन मोमेंट्स को वो याद करते दिखाई दे रहे हैं, लाइक जब आप कहीं घूमने जाते थे, आप हाथ में हाथ डाल के घुमा करते थे, आपको की हुई वो फर्स्ट किस को याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद आ रही है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। ठीक है, तो कुछ ना कुछ मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपकी ना हर चीज़ को उन्होंने बड़े संजो के रखा हुआ है। आपने यदि कोई उन्हें गिफ्ट्स दिए हैं, उन गिफ्ट्स को बार बार देखते हैं, उसको लेकर सोते हैं, गिफ्ट्स को अपने सीने से लगा कर सो जाते हैं, आपके ऑडियोज को सुनते हैं, आपके बनाए वीडियोज को देखते हैं बार बार। बहुत डीप थिंकिंग में मुझे आपके पार्टनर भी आपके लिए लग रहे हैं। लाइक आपको बहुत ज्यादा, कहते हैं ना कि एक बंदा बहुत दिल से याद करना, एक दिल से प्यार करना, इस मोमेंट इस एनर्जी में मुझे आपके पार्टनर ना इस टाइम दिखाई दे रहे हैं। भले ही अभी आपकी कंडीशन कुछ अलग चल रही है इस सिचुएशन से, लाइक आप दोनों के बीच में हो सकता है कि बातचीत भी ना हो रही हो, ठीक है, दोनों सेपरेटेड हो सकते हो आप दोनों अभी, लेकिन आज भी ना आपके पार्टनर ना आपको बहुत ज़्यादा स्पेशल मानते हैं, आपको एक अपनी लाइफ का एक सबसे मेन पार्ट मानते हैं। लाइक आपके बिना हर चीज़ अधूरी है, हर सेलिब्रेशन अधूरा है आपके बिना, हर एक सक्सेस अधूरी है आपके बिना, लेकिन आप उनके साथ नहीं हो ना, इसलिए वो इस टाइम बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रेस या परेशान की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको वो प्यार बहुत करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, ये कन्फर्म है। और आपसे जानते हैं, भले ही आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा सेपरेशन चल रहा है, लेकिन आज भी वो आपसे ना कनेक्टेड रहना चाहते हैं, कि ईश्वर से प्रे करते हैं, अपने जिस भी ईश्वर को मानते हैं वो उसे प्रे करते हैं कि बस किसी तरह से आप दोनों कनेक्टेड हो जाओ, भले छोटी मोटी बात हो या फ्रेंड जोन से स्टार्ट हो, लेकिन आप वो चाहते हैं कि आप उनके साथ ना रहो, क्योंकि उन्हें ना आपका ऑरा इतना पॉजिटिव लगता है कि लाइक उनके काम जो रुके होते हैं सब बनने शुरू जाते हैं अपने आप ही। आपका ऑरा इतना पॉजिटिव है और वो आपको अपनी लाइफ में एक बहुत स्पेशल पार्ट मानते हैं अपनी लाइफ का। लाइक यदि आप उनके साथ होते हो ना, तो उन्हें बहुत अच्छा फील होता है, उनके सारे बिगड़े काम बनने शुरू हो जाते हैं, उन्हें एक ऐसी एनर्जेटिक एनर्जी उन्हें मिलती है, लाइक वो अपनी लाइफ में आगे ग्रो कर पाए और साथ में आपका हाथ पकड़ के आगे चल पाए, उनको ऐसा फील होता है आपके बारे में। लेकिन जानते हैं उनके मन में अभी करंट फीलिंग बताओ ना, उनके मन में ना इस टाइम कुछ डर भी है। डर किस चीज का? कि उन्हें ऐसा लगता है कि लाइक आप कहीं अपने लाइफ में आगे आगे ना बढ़ रहे हो, कहीं आपने इन सब इस रिलेशनशिप को आपने कहीं मूव ऑन ना कर दिया, कहीं आप उसे भूल ना गए हो, ठीक है ना, तो इस चीज को लेकर उन्हें मन में डर बहुत है। और उनके मन में ना कुछ एक, वो कहते हैं ना, एक अनसिक्योरिटी भी है, उनको फील करते हैं लाइक हो सकता है कि इस वो रिलेशन खासतौर से रिलेशनशिप्स को लेकर ना बहुत अनसिक्योर रहते हैं वो। हो सकता है कोई उनका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा हो, या कुछ ऐसा लगता है कि उनका ऐसा रहा हो कि उनके पेरेंट्स डाइवोर्स हो गया हो उनके पेरेंट्स के बीच में, या कुछ सेपरेशन उनके पेरेंट्स के बीच में हो, या कुछ ऐसा हो सकता है लाइक ये मान के चलो लाइक उनको ना कुछ ऐसा लगता है कि एक रिलेशनशिप्स में ना लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, या ऐसा हो सकता है उनके पेरेंट्स में आपस में बहुत झगड़े लड़ाई झगड़ा होता रहता हो, तो उनके मन में जानते हैं एक एक माइंडसेट उनका सेट हो गया है लाइक कि रिलेशनशिप ना ज़्यादा लंबे चलते नहीं, ज़्यादा लंबे सस्टेन नहीं होते, कोई भी रिलेशनशिप ले लो उसमें लड़ाई झगड़े सेपरेशन डाइवोर्स ये सब होता ही रहता है, उनका ना एक माइंडसेट बन गया है। और इस माइंडसेट की वजह से ना ये आप दोनों के बीच में सेपरेशन या जो भी नो कांटेक्ट जोन आया उसी वजह से आया है ये। लेकिन अभी कर लेकिन वो ना अभी देखो अभी आप दोनों साथ नहीं होना, तो अभी उनके जानते हैं उनके दिमाग में सिर्फ एक चीज चल रही है कि बस किस तरह से आपका ट्रस्ट पाना है, किस तरह से आपको पाना है, किस तरह से आपको अपना बनाना है, तो बस इसी फॉर्मेट में लगे हुए हैं, किस तरह से आपके पास आपको रीच आउट कर पाए, या किस तरह से आपसे मिल पाए, या किस तरह से आप उनकी लाइफ में आप, बस इसी बारे में वो पूरा दिन ओवर होल डे डे ड्रीमिंग करते हैं आपके बारे में, सोचते रहते हैं कि किस तरह से आप उन्हें वापस मिल सको बस।
जानते हैं आपके ऊपर ना उनको भरोसा बहुत है, बहुत ट्रस्ट करते हैं आपके ऊपर। यदि मैं समय उनकी एनर्जी की बात करूं ना, लाइक बहुत ज्यादा ना उनके अंदर गिल्ट भी है आपको लेके ना। गिल्ट किस चीज को लेकर बताता हूँ मैं आपको। लाइक मुझे लगता है कि आप उन्होंने ना आपके साथ कुछ गलत व्यवहार करा है, या कुछ वो कहते हैं ना मिसबिहेव करना, अपने बर्ताव को लेके बहुत ज्यादा पछतावा है उन्हें, आपको खोकर बहुत ज्यादा पछतावा फील हो रहा है। लाइक आपको उन्होंने खो दिया, उनके फील मन में ऐसा फील आता है कि आपको वो पूरा टोटली खो चुके हैं, आप कोई चांस नहीं है आपको उनकी लाइफ में आने में, या कुछ उन्होंने कुछ गलत किया है आपके साथ, उस चीज को लेके बहुत ज्यादा पछतावा है। ठीक है, कुल मिला के उन्होंने ना आपके फीलिंग्स का खेला है, आपके इमोशंस का खेला है, तो उस चीज का उन्हें बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है, बहुत ज्यादा गिल्ट की एनर्जी में है। और उन्हें कहने का ऐसा भी लगता है जो भी अभी उनके साथ हो रहा है ना, लाइक उनके फाइनेंसिस में थोड़े ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, या बहुत ज्यादा स्ट्रेस या गिल्ट की एनर्जी में रहते हैं, तो उन्हें लगता है कि ये सब ना उनका कर्मा उन्हें मिल रहा है, जैसा उन्होंने आपके साथ किया है ना वही सब चीज उनके साथ इस टाइम हो रही है। इस कारण ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस, गिल्ट आप कह लो, बहुत ज्यादा परेशानी में है, बहुत ज्यादा कुछ चीज भी उनकी काम बन नहीं रहे हैं, बनते बनते काम सारे बिगड़ जाते हैं, पूरा ध्यान सिर्फ आपके ऊपर लगा हुआ है किस तरह से आप उनके लाइफ में आओ। तो कुछ एक ये रीजन भी हो सकता है, लाइक वो ना बहुत हेजिटेशन बहुत फील करते हैं, लाइक आपको आप तक रीच आउट करने में, क्योंकि उनके पास ना कोई सवालों के जवाब नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि कई सवाल आपके मन में भी उड़ रहे होंगे कि ऐसा उन्होंने क्यों करा, किस रीजन से करा, तो उनके पास ना भी उस टाइम सवालों के जवाब नहीं है इस टाइम, इसलिए बहुत ज्यादा हेजिटेट भी दिखाई दे रहे हैं, लाइक बहुत ज्यादा हेजिटेट है वो आपसे बात करने के लिए, इस कारण वो आपसे आप तक ना पहुंच नहीं पा रहे हैं वो। देखो, और ये चीज तो कंफर्म है, लाइक आपके पार्टनर ना बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक रहे हैं जब आपके साथ रिलेशनशिप में थे, डोमिनेशन बहुत ज्यादा रहा है। यदि आपके मन में कुछ ऐसा है ना कि लाइक वो अपने आप आपके पास आएंगे और आपको अपने आप रीच आउट करेंगे, तो वही वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, वो अपने आप नहीं करेंगे। लेकिन यदि मुझे आपके पार्टनर की बात करूँ, तो मुझे वो आपको ना कहीं जस्टिस देना चाहते हैं, जो भी उन्होंने आपके साथ किया है, जो भी उन्होंने गलत किया है, जो भी आपके साथ उन्होंने मिसबिहेव करा है ना, या लाइक या कुछ भी है कि लाइक उन्होंने आपको डोमिनेट करा, आपको परेशान करा, तो जब तक वो चीजें सब कुछ सही नहीं कर देंगे ना, तब तक उन्हें सुकून नहीं मिलेगा, ये तो कंफर्म है। आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव सोच लेके बैठे हुए हैं, आपको हर तरीके से चाहते हैं, बस आप किस तरह से खुश रहो, क्योंकि उन्होंने जब आपके साथ रिलेशनशिप में थे ना, उन्होंने आपको बहुत दुख दिए हैं, और आपने इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए बहुत चीजें करी थी, लेकिन उन्होंने किसी भी चीज की वैल्यू नहीं करी, आपने बहुत सेक्रीफाइस करे थे, कभी उन्होंने उस चीज को अप्रिशिएट नहीं करा, तो आज ना वो उन सब सेक्रीफाइसेस को या आपके कुछ इमोशंस को लेके ना बहुत ज्यादा गिल्ट की नचिन दिखा देते हैं, और जब तक वो चीजें सही नहीं कर देंगे ना, तब तक वो सुकून से बैठेंगे नहीं, और वो हर एक मुमकिन कोशिश करने वाले हैं कि किस तरह से बस आपको खुश किया जाए, किस तरह से आपके चेहरे पे स्माइल लाई जाए, बट वो डायरेक्टली आपको आके अप्रोच बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ये कंफर्म बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है ना, मुझे आपके पार्टनर ना एक्शन ओरिएंटेड जो होता है ना, कि हाँ एक्शन लेना किसी भी चीज को लेकर आपके पास आने के लिए, कुछ भी ऐसा एफर्ट लगाना, तो मुझे एक्शन ओरिएंटेड बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं। हाँ ये है कि थॉटफुल बहुत हैं, आपके बारे में सोचते बहुत हैं, कि आप कि यदि ऐसा हो सकता है यदि आप उनके पास जाओ तो तुरंत आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, या तुरंत आपके साथ माफी मांग लेंगे, लेकिन यदि वो आप सोच रहे हो कि वो अपने आप आएंगे आपके पास माफी मांगने के लिए, वो चीज पॉसिबल नहीं, क्योंकि उनकी ईगो बीच में आ रही है, बहुत डोमिनेटिंग है, जिसमें आपको बताया ना कि बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक है, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है, तो उस चीज को लेते वो अपने आप तो आएंगे नहीं। ठीक है ना, और यदि मैं चीज बता दूं, यदि आपके मन में अपने पार्टनर के लिए थोड़ा भी प्यार है, थोड़ा भी आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपके साथ लाइफ स्पेंड करे, आप उसके साथ ही आप जीना चाहते हो, ठीक है, तो आपको ना समझो उसके लिए आपको ही कुछ रेमेडीज करनी होंगी, लाइक कुछ स्विच वर्ड्स होते हैं चैंटिंग करने के लिए, ठीक है, कुछ रेमेडीज होती है किसी इंसान को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, कुछ क्रिस्टल्स होते हैं जो कि हील करके पहने जाते हैं, वो क्रिस्टल्स आप पहन सकते हैं, यदि कुछ स्विच वर्ड्स आप चैंट कर सकते हैं, कुछ एंजल नंबर्स अपने हाथों पर लिख सकते हैं, जैसे रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है जो कि आपके पार्टनर को आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो आप अपने हाथ में रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल पहन सकते हैं,
जो आपके पार्टनर को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, या आप दोनों के बीच में एक बॉन्ड क्रिएट करेगा ताकि आप दोनों बीच में कभी अलग ना हो पाओ, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में कभी ना आए, आप दोनों के बीच में प्यार बढ़े, तो उस चीज़ के लिए हीलिंग करा के सब चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी। लेकिन वो इंसान जैसे मैंने कहा ना, उसके अंदर ईगो जो है ना, एक बहुत एक मेल ईगो जो होती है ना, मेल ईगो, अगर आपके पार्टनर एक मेल है ना, तो एक मेल ईगो जो है ना उनके अंदर बहुत ज़्यादा है। और यदि आपके पार्टनर फीमेल है, ठीक है, तो उनके अंदर एक घमंड है कि वो अपनी खूबसूरती, घमंड कह सकते हो, तो अपने आप तो आपको अप्रोच नहीं करेंगे बिल्कुल भी। इसलिए आपको यदि आप उन्हें चाहते हैं, अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हैं ना, तो आपको वो हीलिंग के थ्रू ही आप उसे अपनी लाइफ में ला सकते हैं। लेकिन ये कंफर्म है, उनकी जो ईगो है या किसी चीज़ को लेकर घमंड है ना, वो एक टेम्परेरी रहेगा। जैसे ही आप हीलिंग कराएंगे ना, हीलिंग से वो सब चीज़ें, उनका घमंड जो है ना, ऑटोमेटिक टूटना शुरू हो जाएगा, ये कंफर्म है। क्योंकि एक हीलिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि आपके पार्टनर को, पार्टनर के माइंडसेट को ना बहुत तेजी से चेंज करता है, और वो हीलिंग के थ्रू ही आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं वो। बस वो जानते हैं कहीं ना कहीं, जो उन्होंने आपको अपना कंट्रोलिंग नेचर दिखाया था, जो डोमिनेट किया था ना, जिन चीजों से उन्होंने आपको बहुत ज्यादा परेशान किया था, आपकी कोई बात नहीं सुनते थे, कई बार आप दोनों बीच में बहुत ज्यादा झगड़े भी हुए हैं, ठीक है ना, तो मुझे ना वो उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा सोच पे दिखाई दे रहे हैं कि जहाँ जो भी कुछ उन्होंने किया है ना, बहुत गलत किया है, और वो ये सब चीजें ना ठीक करना चाहते हैं, उस चीज को लेके एफर्ट्स डालना चाहते हैं, आपको लेके बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। अगर आप सोच रहे कि वो अपने आप आएंगे, तो उस चीज में, अगर मैं देखो पैसे तो मना कर रहा हूँ कि नहीं आएंगे अपने आप, लेकिन अगर आपके दिमाग में फिर भी है कि नहीं, मैं खुद नहीं जाऊंगा या खुद नहीं जाऊंगी उसके पास, तो यदि आप चाहते हो वो अपने आप आए बिना कुछ करे, तो उस चीज में बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। और हाँ, यदि मैं आपकी चीज बता दूँ, यदि एक सिनेरियो और लेता हूँ यहाँ पर मैं, यदि आप कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, ठीक है, और आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन की एनर्जी दी हुई है उन्होंने, तो देखो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर की या तो बच्चे हैं या वाइफ है, और वो ही उनकी मजबूरी है, आप तक वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन अगर मैं उनकी एनर्जी की बात करूँ, ही इज ड्रीमिंग विद यू फॉर स्पेंड होल लाइफ विद यू, डे ड्रीमिंग करते हैं हर टाइम, आपके बारे में सपने देखते हैं कि वो किस तरह से आपके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहते हैं, वो उसके लिए हर एक मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। बस उनका एक मेन पर्पस है कि किस तरह से आपको खुश किया जाए, खुश किस सेंस में, लाइक वो आपको खुश देखना चाहते हैं, आपके चेहरे पे स्माइल देखना चाहते हैं, आपके साथ जीना चाहते हैं, बस एक स्माइल के लिए ना वो कुछ भी करने के लिए रेडी हैं। लेकिन आपसे अगर मैं बात करूँ, आपके मन में अगर ऐसे डाउट्स हैं कि वो आपको भूल चुके हैं या आपसे प्यार नहीं करते हैं, तो ये सरासर गलत होगा का सोचना। क्योंकि अगर मैं आपके इस रीडिंग के थ्रू बताऊं, मुझे कहने के आपके पार्टनर ना आपके लिए बहुत ज़्यादा, उनके मन में प्यार दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा आपके लिए फीलिंग्स दिखाई दे रही हैं, ठीक है ना। यदि आप ये मोमेंट ऐसा है कि यदि आप उस इंसान की तरफ जाओगे ना, उससे बात भी करोगे, तो वो इंसान बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगा, और हो सकता है कि जब आप उसे मिलो तो वो आपके सामने रोए भी, क्योंकि वो अपनी, देखो सिर्फ ईगो कहाँ पे आ रही है, अपने आप जाने में। यदि आप उसके सामने जाओगे ना, प्यार से बात करोगे, चीजें सॉर्ट आउट करने की कोशिश करोगे, तो वो इंसान हर हाल में कर लेगा, वहां पे उसकी ईगो बीच में नहीं है, क्योंकि उसको पता है जो उसने किया है वो गलत किया है, वो अपनी गलती एक्सेप्ट भी करेगा, और आपके साथ आगे होल लाइफ रहने का कमिटमेंट भी देगा आपको, ठीक है। और आज की रीडिंग यही खत्म करते हैं। रीडिंग यदि आपसे रेजोनेट करी हो, यदि आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, तो प्लीज इस रीडिंग को लाइक कीजिएगा, जितना हो सके शेयर कीजिएगा, और प्लीज मेरे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। और यदि आप हमसे कुछ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल या व्हाट्सअप कीजिए। नंबर है मेरा 9540004666। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।